सो 9 फरवरी के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मिस्ट्री कलिंगा लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो मनोज दास को किया जाएगा। सो ये अवार्ड इनको अपने अंग्रेजी उपन्यास के लिए मिलेगा। यहाँ ऑप्शन ए है नसीरा शर्मा, जिनको 2019 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर है फरवरी 2020 के होर्नेबल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। सो 2020 के होर्नेबल उत्सव इस बार त्रिपुरा में किया जाएगा। ज़्यादातर ये नागालैंड में किया जाता है, लेकिन इस बार ये त्रिपुरा में होगा। और ये उत्सव होर्नेबल जो पशु होता है, जो पक्षी होता है, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। और ये होर्नेबल जो भी पक्षी है, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पक्षी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस राष्ट्रपति द्वारा कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सो जवाब होगा हमारा डॉक्टर NS धर्मसेतु को। सो डॉक्टर NS धर्मसेतु ये हमारे पूर्व सलाहकार रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर के, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है ग्रुप एम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक बाजार में भारत का स्थान कौन सा रहा है। सो भारत का विश्व में स्थान 8वां रहा है। फिर है डफ एंड फ्लप्स के अध्ययन के अनुसार ब्रांड मूल्यांकन में पहला स्थान पर कौन रहा है। सो विराट कोहली फर्स्ट स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर अक्षय कुमार और तीसरे स्थान पर दीपिका पादुकोण रही है। और जहाँ बात करें MS धोनी की, सो 9वें स्थान पर रहे हैं। फिर हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। सो जवाब होगा भारत के लिए। फिर है किस फैशन ई कॉमर्स पोर्टल में अपना संचालन बंद कर दिया है। सो जवाब होगा जोबांगो पोर्टल। ये फ्लिपकार्ट कंपनी का एक पोर्टल है, इनका दो पोर्टल है, एक है जोबांगो और एक है मिंत्रा। सो अब जोबांगो में ज़्यादा ग्राहक ना होने की वजह से जोबांगो को बंद किया जाएगा। फिर है JSW स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। सो JSW ने ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर है, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। यहाँ हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो मोस्टर एक ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक है, इनका इंडिया हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। और विराट कोहली तो काफ़ी के है ही। फिर बढ़ते आगे, फिर है किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त बनाया गया। सो भारत में ब्रिटेन का फिलिप्स बार्टर है, इन्हें भारत में उच्चायुक्त बनाया गया है। यहाँ ऑप्शन बी है जय मोहन क्वात्रा, इन्हें नेपाल में बनाया गया है हमारी तरफ से। फिर यहाँ गोपाल बांगले हैं, तो ये श्रीलंका में इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं। फिर यहाँ यहाँ पर है अजय बसारिया जो कि कनाडा में हमारे ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते आगे, फिर है लिंकेड के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। सो लिंकेड के CEO हाल ही में थे जेफ वेनर, इन्होंने हाल ही में ही इस्तीफा दे दिया है, आपको याद रखना है। और यहाँ ऑप्शन 2 है अब्दी अली निमचवा जो कि विप्रो के CEO थे, इन्होंने भी हाल ही में ही इस्तीफा दे दिया है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नए स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। तो रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी नाम की एक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। फिर है 5वां भारतीय रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सो हमारा जवाब होगा लखनऊ में। और आपको याद होगा कि लखनऊ में 2020 का एक्सपो भी, डिफेंस एक्सपो भी शुरू हुआ है अभी। इसी बीच भारत का रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन का आयोजन कर दिया है। थैंक यू।